मेरा नाम शौकत अहमद शेख है। हम हेल्थ डिपार्टमेंट कश्मीर से वाबस्ता है। हम हेल्थ डिपार्टमेंट में 25 सालों 24 सालों 20 सालों से हैसियत कोई स्वीपर है, कोई पार्ट टाइम है, कोई इसमें हेल्पर है कि हैसियत से काम करते हैं। बदकिस्मती से गवर्नमेंट ने 2018 में मिनिमम वेजेस एक्ट अंडर SRO 460 वाइट गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 27F के तहत सब डिपार्टमेंटों पर मिनिमम वेजेस एक्ट इम्प्लीमेंट किया है। ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट है इस पर आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। हमारे साथ बहुत जुल्म है। हम कोई 100 लेता है, कोई 500 लेता है, कोई 1000 लेता है महीने का, मगर गवर्नमेंट को हम बस मीडिया के वसादत से ये आज बताना चाहते हैं कि ये जो 1000 या 100 या 500 आप तनख्वाह देते हैं और ड्यूटी हम पूरे देते हैं तो इस पर हमारा गुजारा नहीं होता है। हमारे भी बाल बच्चे हैं, हमारे बच्चों की तरफ देखो। ये जो कुर्सियों पर आप बैठे हैं हम आपको बैठने के लिए मना नहीं करते हैं, मगर आप तो लोगों के मसाइल हल करने के लिए बैठे हैं। अगर यहाँ आज स्टेट गवर्नमेंट नहीं है तो LG एडमिनिस्ट्रेशन से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, ये जो मिनिमम वेजेस एक्ट 2018 का है ये हेल्थ डिपार्टमेंट के इन सफाई कर्मचारी और हेल्पर्स पर तो हम लोगों पर ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए और हमारे लिए रेगुलराइजेशन पॉलिसी मुरतब होनी चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे इस वक्त सफाई कर्मचारी, पार्ट टाइम वर्कर्स, हेल्पर्स जो हेल्थ डिपार्टमेंट, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो एहतजाज है, सरापा एहतजाज है। ये एहतजाज किसी और चीज़ के लिए नहीं है। ये लोग असेंबली नहीं मांग रहे हैं, ये लोग सीटें नहीं मांग रहे हैं, ये हुकूमत नहीं मांग रहे, बल्कि ये लोग अपना तनख्वाह मांग रहे हैं, अपनी उजरत मांग रहे हैं। ये वो लोग हैं जो यहाँ के अफसरान का, यहाँ के डिपार्टमेंट्स का, यहाँ के लोगों का कूड़ा करकट साफ करते हैं, दफ्तरों को साफ करते हैं, उनके वाशरूम्स को साफ करते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है इनको इतना सब कुछ करने के बाद महीने के बाद 100 रुपया तनख्वाह दी जाती है, 800 रुपया तनख्वाह दी जाती है। सरकार से हमारी अपील होगी वो जल्द से जल्द इनके हक में एक्ट लागू करे और जिन लोगों ने 10 साल पूरे किए हैं उनकी रेगुलराइजेशन अमल में लाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो जम्मू कश्मीर के एजुअल डेली वेजर्स फोरम इनके भी प्रोग्राम सामने लाएगा जिसको रोकना किसी के बस में नहीं होगा।